2 साल के करीब हो गए मुझे अपने देश भारत से बाहर अमेरिका में रहते हुए। कल 26 जनवरी है, भारत का गणतंत्र दिवस। मैं अकेली बैठी सोच रही थी क्या मतलब है गणतंत्र दिवस का। मैं अपने थॉट्स रिपब्लिक डे को लेकर आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप में देशभक्ति दोबारा से भर जाएगी और रूह को छू जाएगी। आप देशभक्त हो ये साबित करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सरहद पे जाओ और आतंकवादियों के साथ लड़ो। जो इस देश की सुरक्षा करता है हमारा जवान, हर सैनिक, वो जितना देशभक्त है उतना ही एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, बिजनेसमैन, शिक्षक या फिर कोई भी आम रोजगार करने वाला भारतीय भी उतना ही देशभक्त है। बस उसके दिल में भारत के लिए प्रेम होना चाहिए और जो भी काम करे ईमानदारी से करे, अपने देश को स्वच्छ रखे, ट्रैफिक नियम का पालन करे, विदेशी मेहमानों का सम्मान करे। अपनी सोच को बदलो, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा और समाज बदलेगा तो ये देश भी बदलेगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देशवासियों तक पहुंचाओ ताकि उनको भी इस आजादी का एहसास हो कि ये कितनी मुश्किल से मिली है। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि ये जो हम चैन की सांस ले रहे हैं, आजादी से जी रहे हैं, ये सब मुफ्त में नहीं मिला। इसके पीछे लाखों बलिदान और कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ये दिन हर साल हम मनाते हैं, मगर क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब भारत स्वशासित देश नहीं था। 26 जनवरी को भारत स्वशासित देश घोषित किया गया, तभी भारत का संविधान लागू हुआ, इसीलिए हम 26 जनवरी का यह पर्व मनाते हैं। लेकिन आज अगर हम उन वीरों को याद ना करें जिनकी बदौलत हमें यह आजादी हासिल हुई है तो ये पर्व सूना सूना लगेगा, क्योंकि जिन जबाजों ने प्राण दिए, अपनी वीरता के परचम लहराए, वो डटे मगर झुके नहीं, उनको हम सब सलाम करते हैं। और आज भी सीमा पर घुसपैठियों को रोकने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे जवान सीमा पर डटे हुए हैं। ये आजादी वीरों का बलिदान है, राणा का अभिमान है, शिवा का सम्मान है और यह भगत सिंह और बॉस की शान है। खाक नहीं होने देंगे हम उन वीरों की कुर्बानी को, बर्बाद नहीं होने देंगे हम इतिहास की निशानी को। जौहर की अग्नि से खेली वीरांगना बलिदानी को, बचपन में फांसी लटके उन मासूम जवानी को। भूल नहीं सकती मैं अंगारों की बलि देवी को, जान मेरी भी अर्पित है भारत की रखवाली को। ऐसे महान क्रांतिकारी और बलिदानों की वजह से ये स्वतंत्रता हमने पाई है, इसीलिए मनाते हैं हम ये गणतंत्र दिवस। आइए हम उन सभी का आदर से सम्मान करें और भारत माँ की जय जयकार करें। जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। भारत मेरा सम्मान, भारत मेरी पहचान, भारत मेरा स्वाभिमान, भारत मेरा अभिमान। इस भारत की संस्कृति का, इस भारत की भूमि का मैं एक अभिन्न हिस्सा हूँ, इसीलिए मुझे अपने आप पे गर्व है, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देशभक्तों के साथ शेयर करो और इस वीडियो को पूरे देश में फैला दो। भारत माता की जय।